वृंदावन में एकादशी के अवसर पर ट्रैफिक व्यवस्था ध्वस्त नजर आई और परिक्रमा मार्ग में चार पहिया वाहन चलते रहे। ग्राउंड जीरो पर हमारे ब्यूरो चीफ ऋतिक अग्रवाल पहुंचे और उन्होंने श्रद्धालुओं से बात की। मथुरा के वृंदावन में जया एकादशी के पावन पर्व पर श्रीधाम वृंदावन में ठाकुर बांके बिहारी के दर्शन एवं परिक्रमा लगाने हेतु जन सैलाब उमड़ पड़ा। विशेष रूप से शनिवार रविवार को श्रीधाम वृंदावन में अच्छी खासी भीड़ देखी जाती है, लेकिन इस बार एकादशी होने के कारण श्रद्धालु अधिक से अधिक पुण्य लाभ प्राप्ति हेतु श्रीधाम वृंदावन परिक्रमा एवं दर्शन हेतु पहुंचे, जिसके कारण ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई। मुख्य रूप से वृंदावन का टल्ला चुंगी चौराहा बनखंडी विद्यापीठ लोहिया बाजार आदि मार्गों पर वाहनों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली, जिसके कारण पैदल चलने वाले भी प्रशासन को कोसते नजर आए। आने वाले समय में होली का महापर्व भी आने वाला है, अगर इसी तरह प्रशासन की व्यवस्था रही तो निश्चित रूप से कोई बड़ा हादसा हो सकता है, जिसकी पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। ऋतिक अग्रवाल, मथुरा, समाचार 24। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं तो बिहार से बनी ही रहता हूँ। आज आप जया एकादशी के पर्व पर परिक्रमा देने आए? पूरी परिक्रमा में चौपहिया वाहन चल रहे हैं और ये क्या हिस्सा है, इससे काफी डिस्टर्ब होता है, लोग फ्री होकर नहीं चल पा रहे हैं। आज इतना भीड़ भाड़ है, थोड़ा सा आज के लिए तो क्या होना चाहिए, कम से कम जो खास करके एक परिक्रमा वाला दिन परिक्रमा वाला कोई वाहन का जगह जगह जाम लगा हुआ है, श्रद्धालुओं को आने जाने में दिक्कत हो रही है, कहीं ना कहीं आपको जान का भी डर लगा रहता है, कोई धक्का मार के चला नहीं, बस इस बात का डर है। प्रशासन की कमी है इस चीज को, वो तो आप भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं, वो तो आपको भी पता है क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। और आप देख सकते हैं आज गया एकादशी का पावन पर्व है, गया एकादशी बहुत ही बड़ी एकादशी मानी जाती है, इसमें वृंदावन की पंचकोशीय परिक्रमा का लगाने का बहुत बड़ा महत्व है। और आज के आप देख सकते हैं श्रद्धालु उतरे हमारे वृंदावन में, और आप देख सकते हैं पुलिस की बिल्कुल ट्रेन नजर आ रही है, ये अटल्ला चुंगी का चौराहा है, पूरी तरह जाम लगा हुआ है, पुलिस की सारी व्यवस्था गठित हो गई और श्रद्धालुओं को जान हथेली तक से लगानी पड़ रही है। आप देख सकते हैं पूरी तरफ चारों ओर चौपहिया वाहनों का आवागमन है, पुलिस की कोई व्यवस्था नहीं है, केवल एक दो ही पुलिसकर्मी लगे हुए हैं, जिनसे कि ये सारी स्थितियां समझने को नहीं आ रही है। दर्शनार्थियों को कहीं ना कहीं यही डर लगा हुआ है, कब परिक्रमा देते में कौन व्यक्ति आए और कब पीछे से ठोकर मार जाए, किसी को कोई पता नहीं लग पाता है। आपने अपने कैमरा मैन सहयोगी से कहूँगा आपको लाइट का दृश्य दिखाई दीजिए, आपको किस तरीके से श्रद्धालुओं को गाड़ियों के बीच में से होकर निकलना पड़ रहा है, काफी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ केवल दो ही पुलिसकर्मी हैं जिनसे ये सारी व्यवस्थाएं समझने को नहीं आ रही है। आज के दिन कोई भी परिक्रमा मार्ग में गाड़ियों का प्रतिबंधित नहीं किया गया है, गाड़ियों का आवागमन सामान्य रूप से चल रहा है, जिससे परिक्रमार्थियों को बहुत दिक्कत आ रही है। आइए देखते हैं कुछ परिक्रमार्थियों से इनके साथ जुड़ चुके हैं, कुछ श्रद्धालु जो परिक्रमा देने दे रहे हैं, आइए इनसे जानते हैं क्या दृश्य है परिक्रमा का, किस तरीके से ये परिक्रमा दे रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका? मुकेश। आप कहाँ से आए हैं? रोहतक हरियाणा। आप यहाँ वृंदावन की परिक्रमा देने आए हैं? हाँ जी। पहली बार आए हैं? नहीं, पहली बार है, आज पैदल परिक्रमा कर रहे हैं, वृंदावन की पहली बार। आप क्या कहेंगे, चारों तरफ चौपहिया वाहन चल रहे हैं, परिक्रमा में कोई भी प्रतिबंध नहीं है? बस वही बात है कि बांके बिहारी के भरोसे है, नहीं तो मतलब वो जो ना रोड वगैरह वो कोई मतलब वो नहीं दिखता, प्रशासन की कोई वो नहीं दिखती कि भाई उनकी मौजूदगी है, वो अपने आप चल रहा है उसके भरोसे बस, सही है। कहीं ना कहीं आपकी जान जोखिम में डाल के जान अकेली पर रखिए, प्रतिबंध देने के मजबूर है। सही जगह तो है, गाड़ी वाले भी नहीं है, प्रशासन को इस चीज में सुधार करना चाहिए। आपका क्या नाम है? राजेश। आप कहाँ से आए? क्या आप परिक्रमा दे रहे हैं, क्या दृश्य देख रहे हैं आप? हाल है रोडों का, साधनों का, एक तो ऐसा होना चाहिए ना रास्ता के भाई परिक्रमा करने वाले हैं वो आराम से करें, भगवान के दर्शन। लेकिन परिक्रमा के दिन भी तीन तो चौपहिया वाहनों को बंद किया नहीं जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन प्रशासन की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं, गवर्नमेंट अपने अपने आने के लिए बैठी है, नहीं तो ऐसे जगह पे उनको बहुत सुविधा देनी चाहिए। चुनाव का माहौल भी है, चुनाव भी लगातार हो रहे हैं। बिल्कुल हो रहे हैं, ये गलत है।